नमस्कार, मेरा नाम है अनमोल, आप देख रहे हैं व्लॉगर्स डुओ। आज जो हमारे साथ गाड़ी है वो है टाटा की 4825 टीके। तो ये जो व्हीकल है, ये व्हीकल में आपको दो वेरिएंट मिलेंगे। सबसे पहला है के एंड देन उसके बाद है टीके। अब इस दो वेरिएंट में जो है आपको अलग अलग ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे अकॉर्डिंग टू द प्राइस। अब जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ, ये के वेरिएंट है तो ये सॉर्ट ऑफ अ टाइप बेस वेरिएंट है, और जो टीके वेरिएंट है वो टॉप वेरिएंट है। तो टीके वेरिएंट में आपको जो यूनिटाइज व्हील बेयरिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, एयर कंडीशनिंग का भी ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सारे वैल्यू एडेड जो फीचर है वो आपके हायर वेरिएंट में अपग्रेड हो जाएंगे। अब मैं बात कर लूँ गाड़ी के फ्रंट लुक की, तो फ्रंट लुक जो है बहुत अच्छी तरीके से डिज़ाइन किया गया है। एयरकॉन वेंट्स का जो है प्लेसमेंट वो भी बहुत बढ़िया तरीके से दिया है, इससे आपका माइलेज भी इंप्रूव होगा। और साथ ही साथ जो ये ग्रिल है, सिग्ना कैबिन की जो ग्रिल है वो बहुत अच्छी दी गई है, वाइड ओपनिंग भी है, और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा जो है एयर सर्कुलेशन भी हो जाएगा इसमें, ठीक है। एंड देन ठीक इसके नीचे में यहाँ पे आपको एक टोइंग हुक मिल जाता है, और यहाँ पे जो है सॉर्ट ऑफ अ बैच प्लेट टाइप दिया गया है। अब ये गाड़ी जो है ये टिप्पर सेगमेंट है, तो टिप्पर आपको पता ही है ऑफ रोड में ज़्यादा चलते हैं, उस हिसाब से यहाँ पे आपको थोड़ी सी बैच प्लेट मिल जाती है, जिससे कि आपका जो ऑयल सम्प है उसको प्रोटेक्शन मिल जाएगा सबसे पहली बात, और साथ ही साथ गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस है उसमें भी आपको तकलीफ नहीं होगी, ठीक है। और ठीक इसके नीचे में थ्री पीस बम्पर मिलता है। अब मान लीजिए थ्री पीस बम्पर का फ़ायदा ये होता है ना कि अगर ये टूट गया तो सिर्फ आपको ये वाला हिस्सा बदलना पड़ेगा, ना कि पूरा हिस्सा बदलना पड़ेगा, इससे आपका जो है कॉस्ट बच जाता है। तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक ऑन की प्लेसमेंट मिल जाएंगी, ठीक है। और ये सिग्ना कैबिन है, जितने भी टाटा के हेवी कमर्शियल व्हीकल आते हैं उसमें आपको सेम जो है हेडलाइट मिलेगा, ये हेडलाइट का थ्रो अच्छा रहता है, और साथ ही साथ जो है यहाँ पे आपको इंडिकेटर की प्लेसमेंट मिल जाएंगी, ठीक है। अब ये जो है ये हाई ग्राउंड क्लियरेंस वाला व्हीकल है, इस हिसाब से आपको तीन फुट स्टेप मिलते हैं, ये वाला जो है सबसे लो वाला, फिर उसके बाद दो जो है आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, एंड देन सीधा एक कैबिन में, ठीक है। अब ये गाड़ी ऑफ रोड के हिसाब से चलने वाली है, इसलिए जो है यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत बड़े बड़े मोटे मोटे ग्रूव वाले जो इसमें टायर लगाए गए हैं। ये बहुत ही ज़्यादा नया ट्रक है, अभी तक के तो इसकी पन्नी भी नहीं निकली है आई गेस, ठीक है। एंड देन उसके बाद में बात कर लूँ तो गाड़ी का जो फ्रंट सस्पेंशन है वो आप देख सकते हो, सेमी इलिप्टिकल लिप स्प्रिंग के साथ टेलीस्कोपिक शॉक एब्जॉर्बर भी आते हैं, और साथ ही साथ ये ब्रेक लाइनिंग और ये ABS की लाइन जो है यहाँ पे दी गई है, ठीक है। इंजन की प्लेसमेंट और इंजन का जो कवरिंग है वो भी बहुत बढ़िया तरीके से दिया है, इंसुलेशन भी बहुत बढ़िया तरीके से प्लेस किया है। यहाँ पे जो है यहाँ पे आपको एक इंडिकेटर की प्लेसमेंट मिल जाएंगी, दरवाज़ा ओपन करने वाला लैच, ठीक है। सिंपल टिपिकल जो LPT कैबिन में आता था जो पहले से आते आ रहा है वही सेम टू सेम जो है यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड किया गया है, ठीक है। सिग्ना कैबिन में जो है आपको एडवांटेज सिर्फ यहीं तक मिलेगा, मतलब सिग्ना में इतना ज़्यादा जो है बहुत बढ़िया तरीके से जो है डिज़ाइन किया गया है, बाकी पूरा का पूरा जो है LPT वाला ही मिलेगा आपको। 2825 के की बैजिंग, 28 मतलब 28 टन का इसका ग्रॉस व्हीकल वेट, 25 मतलब 250 हॉर्स पावर, और के जो इसका वेरिएंट का नाम BS6, ठीक है। एंड देन उसके बाद में बात करूँ तो यहाँ पे आपको मिलता है बड़ा वाला फिल्टर, ये है इस गाड़ी का फिल्टर टाटा की तरफ से आने वाला, और यहाँ पे आपको स्नॉर्कल भी देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। एंड देन ठीक इसके पीछे आपको मिलेगा हाइवा का टैंक भी बहुत बढ़िया तरीके से प्लेस किया गया है यहाँ पे। और ठीक इसके नीचे में आपको यहाँ पे आपको मैनुअल प्राइमिंग फ्यूल पंप मिल जाएगा, ठीक है। आप कभी भी गाड़ी ने एयर पकड़ लिया तो आप यहीं से जो इसको दबा दबा के जो है एयर निकलवा सकते हो, और ये है इस गाड़ी का डीजल टैंक। तो ये जो डीजल टैंक है वो है 300 लीटर का, और साथ ही साथ जो है यहाँ पे आपको 48 लीटर का डेप्थ टैंक देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। अब इससे जो आपको नॉर्मल रेंज मिल जाएंगी, अब यहाँ पे आप देख सकते हो चेसी का जो कंस्ट्रक्शन किया गया बहुत हेवी है, बहुत लंबी चेसी भी मिलती है सबसे पहली बात, एंड देन यहाँ पे भी जो है बोल्टिंग वगैरह का जो काम है वो बहुत बढ़िया तरीके से किया है, बहुत नीटली काम किया है, स्प्रिंग वगैरह लगाए गए हैं बोल्ट के ऊपर, ठीक है। अब मैं बात कर लूँ इसके रियर टायर की, तो इसका जो रियर टायर है वो है 1120 का टायर आता है, इसमें आप देख सकते हो बड़े बड़े ग्रूव बने हैं ताकि ये कीचड़ वगैरह में जो है ये फंसे ना टायर, ठीक है, स्लिप ना मारे, अच्छी ग्रिप दे टायर, ठीक है। इस वजह से जो इसके टायर बनाए गए इस गाड़ी में जो है यहाँ पे आपको बोगी सस्पेंशन भी देखने के लिए मिलेगा अलॉन्ग विद द एंटी रोल बार, ठीक है। अब ये होता क्या है ना, इसका बोगी सस्पेंशन का फायदा, ये बहुत लंबा चलता है, बहुत नॉर्मल जो बेल क्रैंक वाला जो सेमी इलिप्टिकल लिप स्प्रिंग आते हैं उससे ज़्यादा अच्छा चलता है। इसको उल्टी कमानी भी बोला जाता है, उल्टी कमानी का रिस्पॉन्स ये रहता है कि आपको टेंशन नहीं लेना पड़ता उतना ज़्यादा, वो जो है वो जल्दी टूट जाते हैं, और ये जो है थोड़ा ज़्यादा चलते हैं, ठीक है। एंड देन इसके जो जितने भी डिस्क है व्हील की डिस्क वो सिल्वर कलर में दी गई है, और सारा का सारा व्हील हब और जितने भी बोल्टिंग वगैरह की है वो ब्लैक कलर में की है, तो इट इज़ काइंड ऑफ कॉन्ट्रास्ट जो है बहुत अच्छा लगता है देखने में, ठीक है। मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है देखने में, पूरा अगर ब्लैक कर देंगे तो वो देखने में जो इसकी लुक थोड़ी सी ऑड हो जाती है, ठीक है। ये जो बॉडी है ये पूरी की पूरी टाटा की तरफ से आती है, हेवी बॉडी है, बहुत अच्छी तरीके से बनाई गई है, बहुत साल चलती है, ठीक है, लंबा चलती है, इसकी रिलायबिलिटी जो है बहुत अच्छी है। अब यहाँ पे आपको मडगार्ड देखने के लिए मिलेगा, वो भी फ्लेक्सिबल वाला, बहुत बड़ा मडगार्ड है और बहुत अच्छी तरीके से दिया है, ठीक है। आप देख सकते हो नीचे तक दिया है, वो स्टील का जो ये पाइप भी लगाया गया है। अब यहाँ पे आपको LED के जो है
टेल लैम्प मिल जाएंगे, ये आपका जो रिवर्स लाइट मिल जाएगा, ये आपका टेल लाइट मिल जाएगा और यहाँ पे आपको इंडिकेटर मिलता है, ठीक है। यह जाली जो है ये ओपनेबल जाली है, यहाँ से आपको जस्ट इस स्क्रू को अनस्क्रू करना है और आप ये जो है ये जाली भी ओपन कर सकते हो। अब ये जाली दी क्यों जाती है ना, थर वगैरह नहीं लगना चाहिए, इस वजह से जो है यहाँ पे आपको जाली दी जाती है। ये भी बहुत अच्छी तरीके से काम किया गया है इसके टेल लाइट के लिए भी प्लेसमेंट, और यहाँ पे आप देख सकते हो डबल चेसी का जो है यूज़ किया गया है, जितना भी बोगी सस्पेंशन है वहाँ तक आपको डबल चेसी मिलेंगे। मैंने इस गाड़ी का डिटेल में कैबिन एक्सप्लेन कर दिया है 55-25 वो वाली वीडियो में, और आप वो वीडियो जो आई बटन के थ्रू आप चेकआउट कर सकते हैं, या फिर वीडियो के एंड में आपको वो वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक छोड़ दूंगा। और पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें उनके साथ जो भी है गाड़ी प्लान कर रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।